सजीला शानी को कॉल करती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी शानजे इधर आई थी और मुझसे दो टोक बात करके गई है और कहती है कि तुम्हें उससे यानी कि शांजे को कोई इतराज़ नहीं है कि मेरी तुमसे शादी हो जाए लेकिन वो भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती है जिस पर आप देखेंगे कि शानी कहता है कि पता नहीं क्यों वो इतनी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है क्यों अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही है मैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा इसके बाद वो शानी जो है शानजे के पास जाता है और उसको जाकर वहाँ पर कहता है कि आप क्यों मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही हैं यकीन माने कि मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में भी सुकून हो इसलिए मैं चाहता हूँ कोई अच्छा साथ देखें आप लड़का और आप भी शादी करें ताकि मैं भी रिलैक्स रह सकूँ आगे से शानजे कहती है कि अगर तुम्हें मेरे रिलैक्स होने का इतना ही ख्याल है तो फिर तुम इस तरह की हरकतें क्यों करते हो क्यों तुम इस तरह से बार बार मुझे छोड़ कर चले जाते हो आगे से वो कहता है कि मैंने आपको अपनाया या ही कब है कि छोड़ने की बातें कहाँ से आ गई कहती है खैर जो कुछ मैं सजीला से कहके आई हूं तुम उसकी बातें जाके सुनना और मुझे किसी बात पर कोई इतराज नहीं है मैं तुमसे कुछ भी नहीं छीनने वाली हूँ सब कुछ तुम्हारे पास ही रहेगा लेकिन तुम मेरा साथ मत छोड़ना